हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ड्रीम टैलेंट की एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 ऐसे फैक्ट्स कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो कि दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक थे। उन्होंने जो राज किया था वो किया था 1206 से लेके 1210 तक। क्या आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पद संभालने से पहले एक गुलाम थे और वो किसी शासक के अधीन में सिपा सलार के पद पर कार्य करते थे। वो शासक थे मोहम्मद गौरी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गवर्नर रह चुके थे। वो मोहम्मद गौरी के अंडर कार्य करते थे। सन 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात थे, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों को देने वाला। जब दान लेने वाले व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते थे तो उस युग में उन्हें ऐबक पुकारा जाता था, इसीलिए कुतुबुद्दीन को कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्धर विद्या फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने सिखाई थी। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर अपनी इस्पात की गुणवत्ता के लिए मशहूर है। लौह स्तंभ कुतुब मीनार समूह के भीतर स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत आधुनिक युग के पोलो के भांति एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुब मीनार, जो दुनिया के सबसे ऊंचे ईंटों का मीनार है, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो गाइस, ये थे 15 फैक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक थे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ताकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।